नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड फूड में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सोया चाप। इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो अगर जो भी मैं डालती हूँ उसको पूरा देखिए, क्योंकि बनाते समय मैं अपने जैसे हमें चाहिए होता है वैसे बनाती हूँ, आपको जैसे चाहिए होता है वो मैं वीडियो में बताते रहती हूँ, तो आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें दोस्तों। तो आइए बनाते हैं सोया चाप। ये देखिए, ये है सोया चाप। इसको हमने मार्केट से रेडीमेड ख़रीदा था, आप भी ख़रीद सकते हैं। और इसको ऐसे ही लकड़ी जो ये स्टिक में लगा हुआ है उससे आप निकाल करके काट लें और गरम तेल में आप इसको तल के निकाल लें। तल के निकालें दोस्तों, लेकिन याद रखिए कि उसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है और तेल का जो तापमान हो वो ठीक ठाक हो, कम ना हो, नहीं तो जो ये चाप है ये सारा तेल पी जाएगा और इससे ये बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि आँच बहुत ज़्यादा कम ना हो और आँच बहुत तेज़ भी ना हो जिससे कि ये जल जाए। तो मीडियम से हल्का सा ज़्यादा आँच रखेंगे। देखिए, ये हमारा सोया चाप हमने तल के निकाल लिया है। अब हम इसको बनाएंगे। बनाने से पहले इसको हम थोड़ी देर रख के ठंडा करेंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसमें दही फेंट करके डाल देंगे दोस्तों। दही इतना डालेंगे जिससे सारे चाप में अच्छे से कोट हो जाए और उसको एक जगह ढक के रख देंगे जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल में डालेंगे हम जीरा, और देखिए जीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, और हम डालेंगे दालचीनी भी। ये सारी चीज़ें हम डाल के अच्छे से पका लेंगे और फिर उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने कुटा हुआ सब डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, पेस्ट थोड़ा ज़्यादा सही होगा, मुझे कूटना आसान लगता है इसलिए मैंने ऐसे डाला है। ये अदरक, ये देखिए, ये है मिर्च और प्याज। प्याज को हमने काट के डाला है, आप पीस कर डालें क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है। हमें स्मूथ ग्रेवी नहीं चाहिए थी इसलिए हमने प्याज को अच्छे से काट के डाला है। आपको जैसे चाहिए होगा आप वैसे कर सकते हैं, आप एक बार पीस के भी ट्राई करें। ये देखिए, ये सारा भुन गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, एक चम्मच हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च हम नहीं डाल रहे हैं, आप कलर और स्वाद दोनों के लिए लाल मिर्च डाल लें, अच्छा लगेगा। ये गरम मसाला दो चम्मच है। इस गरम मसाले में हमने धनिया पहले से ही मिक्स करके रख लिया है तो इसलिए हम धनिया नहीं डाल रहे हैं। अगर आपने गरम मसाले में धनिया नहीं डाला है तो आप डाल लें। ये बड़े दो टमाटर हमने पीस के डाले हैं। और याद रखिए दोस्तों, मसाला हमेशा रिच होगा, मसाला कम नहीं होना चाहिए। मसाला जितना चटपटा और रिच होगा उतना ही सोया चाप टेस्टी बनता है। वो सोया चाप में हमेशा मसाला ज़्यादा चाहिए होता है दोस्तों, तीखापन भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा करके डालें। ये हम अपने अनुसार बना रहे हैं जिसमें हमने लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, और लाल मिर्च डालेंगे तो आपका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, स्वाद भी बढ़ेगा। तो आइए इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक कि ये पेस्ट जो है वो तेल नहीं छोड़ देता, तब तक इसको भूनते रहेंगे। देखिए, पेस्ट ने तेल छोड़ दिया है दोस्तों। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, खूब बढ़िया से चारों तरफ से इसको पकाएंगे, और बढ़िया पक जाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम ऐसे डालेंगे कि हमें सोया चाप रोटी से खाना है या ऐसे ही खाना है उस अनुसार डालेंगे। अगर हम रोटी से खाते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ाएंगे, अगर हम बिना रोटी के ऐसे ही स्नैक्स समझ के खा रहे हैं तो हम पानी थोड़ा कम रखेंगे। ये देखिए, मैंने एक बड़ी ग्लास पानी डाली है दोस्तों, और अब क्योंकि सोया चाप पानी सोखेगा नहीं इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम पानी उतना ही डालें जितने हमें ज़रूरत है। अब इसमें उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद हम ये दही में लपेटा हुआ सोया चाप इसमें डाल देंगे मसाले में, और हम इसको घुमाते हुए पकाएंगे। देखिए, इसका जो ग्रेवी है ये एक ग्लास हमने पानी डाला था, फिर भी देखिए अभी ये ऐसा है कि इतने पर ही हम इसको बंद कर देंगे अगर रोटी से खाना होगा तो। और अगर रोटी या नान से हम नहीं खा रहे हैं, चावल से नहीं खा रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से सुखा लेंगे। तो हमने इतना इसको सुखा लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी डालें, हमें नहीं पसंद इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। और उसके बाद कसूरी मेथी डालने के बाद हम डालेंगे धनिया।
तो हरा धनिया हमने डाल लिया है, आप भी डाल लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम बहुत इजी रेसिपी लाते हैं और बहुत आसान तरीका भी लाते हैं जिससे कि आप घर में बनाएं, खाएं और स्वस्थ रहें। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमस्कार।